बिहार सरकार पर एक बार फिर से जनाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जोरदार हमला बोला है। दरअसल आज पप्पू यादव पहुंचे थे पटना सिटी में उस परिवार से मिलने जिसके बेटे की हत्या दो दिन पहले कर दी गई थी। पप्पू यादव उस परिवार से मिले, उसके बाद उन्होंने नीतीश सरकार, लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छोड़े जाते हैं आपको पप्पू यादव के गंभीर आरोपों वाले बयान के साथ। बार बार कहते हैं, इतना ज्यादा राजनीतिज्ञों का इन अपराधियों पर कृपा है ना, इतना संरक्षण प्राप्त है कि डर नहीं रहे। आप इसको मानिए, ये अपराधी इतना जो बेवकूफ है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका पॉलिटिशियन, इतना ज्यादा इन्वॉल्व है पॉलिटिशियन इन अपराधियों को। इस कदर आपको आश्चर्य होगा कि लगता ही नहीं अपराधी माफियाओं को किसी बात का डर। जिसको जब मनाता है, ऐसा नहीं है, ये परिवार इतने अच्छे सब सर्विस में, और इस कदर इस परिवार में कभी 107 का भी नहीं होना, पूरा गांव एक साथ चलना, और उसके बाद उस बच्चे को बिना किसी बात के पैर हाथ जोड़ रहा और गोली मार दिया जाए, और अभी तक गिरफ्तारी, सबको पता है कहाँ भाग गया, हिंदुस्तान में ही होगा ना। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत सीरियस नहीं है? यदि इस तरह के हालात रहे तो 24 तारीख को तो है ही आर पार की लड़ाई मेरी इस सरकार के खिलाफ राजेंद्र नगर से राजभवन। इस मुद्दे को भी, अपराध भी मुद्दा है, लेकिन पर्सनली मैं इस मुद्दे को लूं। अभी बगल में लाश मिला जिसको मार के फेंक दिया गया, आपके ही बगल में सिटी में, ये क्या है? जिसको मन आता है परिवार और माँ बच्चे के सामने गोली मार देता है, जहाँ मन आता है वहाँ ढुक के मार देना, कह के मार देना।